हेलो एवरीवन, दिस इज़ द वशिष्ठ मिश्रा। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेवेंथ सेमेस्टर जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट कब आएगा। आज मुझे कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे, सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के ऊपर अपडेट दे दीजिए। कल मैं अपडेट दे चुका हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, सो तुम लोग चेक कर सकते हो। तुम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हो ना, सब्सक्राइब तो कर देते हो लेकिन जो बेल आइकन है उसको क्लिक नहीं करते हो, इसलिए ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं होता है। सो व्हेनेवर यू आर सब्सक्राइबिंग देन ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो। सो जब भी मेरा वीडियो आएगा तुम लोगों को नोटिफाई हो जाएगा। सो कल मैं बनाया हूँ, आज सुबह सुबह मुझे मैसेज आ रहा है कि सर सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए अपडेट दीजिए। मैं अपडेट दे चुका हूँ, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। ओके प्लीज़ कुछ स्टूडेंट लोग भी कमेंट में भी बता दो कि सर सप्लीमेंट्री के अपडेट दे चुके हैं। ओके एंड आज हम लोग बात करेंगे सेवेंथ सेमिस्टर कब आ सकता है रिजल्ट। मैं कल भी तुम लोगों को बोल सकता था, क्यों नहीं बोला कि मैं सोच रहा था कि आज कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, आज आने वाला था एक्चुअली, लेकिन अब तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तुम लोगों को पता है जब भी कॉपी चेकिंग स्टार्ट होता है, जैसे सप्लीमेंट्री का स्टार्ट हुआ था एक नोटिफिकेशन आया था, फर्स्ट ऑल द टीचर विल रजिस्टर देमसेल्फ, जो सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं वो रजिस्टर करना जरूरी है। ओके सो अब तक वो नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया है। ओके सो कॉपी चेकिंग कैसे स्टार्ट होगा? सो अब तक कॉपी चेकिंग स्टार्ट नहीं हो, सो मैं अब कैसे बोल सकता हूँ कि इतने दिनों में ख़त्म होगा? सर जब कॉपी चेकिंग स्टार्ट होगा तो फिर हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कितना ख़त्म हो रहा है कॉपी, कितना क्या हो रहा है, तो फिर हम लोग एक्सपेक्टेड रिजल्ट बोल सकते हैं। ओके सो तब तक हम लोग वेट करेंगे, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं वीडियो बना लूँगा तुम लोग के लिए, तुम लोग अभी वेट करो। एंड एट सेमेस्टर आई थिंक इट विल बी स्टार्टेड वेरी सुन, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा जो अकॉर्डिंग टू द एकेडमी कैलेंडर क्या है एट सेमेस्टर का अपडेट। ओके सो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। और जो स्टूडेंट लोग कुछ पूछ रहे हैं, सर जो बीपीयूटी में क्या कॉपी चेकिंग होगा, सॉरी बीएसएसटी बुरला में क्या कॉपी चेकिंग होगा, क्या नहीं होगा, सो उसके ऊपर अब तक तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आज एक एमओयू हुआ है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि 10-20% ऑफ कॉपी, नॉट मोर दैट, आई थिंक 10% ऑफ कॉपी दैट विल बी गो टू द बीएसएसटी बुरला एंड दैट विल बी चेक्ड बाय देम, एंड 90% ऑफ कॉपी दैट विल बी चेक्ड बाय बीपीयूटी टीचर्स, जो सबसे अच्छा बात है, क्योंकि 50-50 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि बीएसएसटी में भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। मेरा भी जो पीएचडी है वो बीएसएसटी बुरला से है, सो मुझे पता है वेरी टाइट शेड्यूल है वो टीचर लोगों का। सो आई थिंक 10% ही कॉपी वहाँ पे जाएगा। ओके बाकी सब मैक्सिमम कॉपी जो है वो बीपीयूटी के टीचर लोग ही चेक करेंगे। ओके सो चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगर उसके ऊपर कोई क्लियर अपडेट आ जाता है तो मैं तुम लोग को बताऊंगा, लेकिन मुझे जितना आप पता चल रहा है सो वही होगा। ओके मैक्सिमम कॉपी जो है वो बीपीयूटी के टीचर लोग ही चेक करेंगे, सो अच्छा रिजल्ट होगा। और कुछ स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बता रहे थे, सर पास मार्क कितना है? पास मार्क इज 35। ओके जो 37 था वो मैं पिछले बार भी तुम लोगों को बताया था, वो 35 हो चुका है, 35 इज योर पास मार्क। ओके सो आई थिंक आई हैव क्लियर ऑल योर डाउट्स, सो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब करो, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करो एंड ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, जो आज जो प्रॉब्लम हुआ है वो अब नहीं होगा। ओके सो थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक थैंक यू।